हेलो दिव्य सोचना, तो कैसे हो आप सब? आप सब स्वागत है एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और ये पबजी प्ले टाइम चैप्टर का 2 का 8 पार्ट है। और यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले गेम प्ले वीडियो में कि हम लोग नीचे गिर गए थे, और जिससे कि हमें ऊपर जाना होता है क्योंकि हम नीचे गिरे हुए ना, तो हमें आगे चलना है। और जैसे कि यहाँ पर रास्ता बंद है तो हमें क्या करना है, ऊपर जाना है क्योंकि पता है आपको। और यहाँ से हम लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं और सीधा चलते हैं आगे, और आगे नहीं। और यहाँ पे रास्ते में है एक गड्ढा, गड्ढे हमें पार करना पड़ेगा क्योंकि नीचे गिर जाएंगे ना इसलिए। और यहाँ पे रास्ता है शायद, और यहाँ पे दिखता है एक वेंट, वेंट के अंदर चलते हैं हम। वेंट के अंदर जाने के बाद हमें इधर साइड तो बंद है, तो हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो इधर भी रास्ता बंद होता है, अगर रास्ता बंद है तो हमें फिर से हमें ऊपर जाना होता है। यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं और सीधा चलते हैं अपनी हैंड लिफ्ट से ऊपर। और यहाँ पे एक गेट होता है, और गेट इस तरफ का मैंने चेक किया था बंद होता है, तो इसलिए हम स्टेयर से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। और यहाँ पे एक गेट ओपन हो जाता है तभी, और गेट ओपन होने के बाद हम सीधा अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट और कोई लेवल है शायद ये वाटर ट्रीटमेंट का। और यहाँ पे कुछ मिला हमको, और देखने के बाद पता चलता है कि कुछ ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हमें नहीं पढ़नी किसी की ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हमें रोटेट टॉप रोटेट करना था, तो मैंने रोटेट कर दिया है टॉप वाले को। और यहाँ पे क्या है, ये गेट ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अब एक यहाँ पे 2 गेट बने हुए हैं, तो हमें दूसरी साइड अब जाना है टॉय लेने शायद। तो यहाँ पे दूसरी साइड चलते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, 90 डिग्री रोटेट कर दिया टॉप को। इसी के साथ ये लेवल कंप्लीट होता हुआ मेरे को लग रहा है, क्योंकि हमने ये सॉल्व कर दिया प्रॉपर। और सीधा चलते हैं, और यहाँ पे हमें दिखता है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे रेड बटन है शायद, हमें प्रेस करना है इसे। ओके, हमें इसे प्रेस करते हैं और तभी टॉय आने लग जाते हैं, और ये ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। ओके, ये ऊपर जाके नीचे गिर रहे हैं, तो हमें फिर से ब्लू बटन का ऑन करना पड़ेगा जिससे ये एरो रोटेट हो जाएगी और ये फिर से ऊपर जाने लग जाएंगे। और यहाँ पे फिर से नीचे गिर रहे हैं, तो हमें येलो बटन प्रेस करना है। इजी, येलो बटन प्रेस करने के बाद ये सारे टॉय ऊपर जा रहे हैं, तो हमें भी ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 लीवर हैं जिससे कि ये साइन अब जाने का कर रहा है, तो हमें फिर से अब जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या है। ओके, यहाँ से फिर से टॉय नीचे गिरने लग जाते हैं, और फिर से हम इस रेड बटन को प्रेस करेंगे जिससे कि एरो लेफ्ट साइड रोटेट हो जाता है। और अब यहाँ से हम टॉय को कलेक्ट कर सकते हैं, और टॉय को कलेक्ट करने के लिए हमें हैंड का यूज़ करना है। ओके, ग्रीन हैंड यूज़ कर लिया, और यहाँ पे हमें टॉय मिल चुका है। और अब हमें चलना है नीचे, इस लीवर को खींचना पड़ेगा पीछे की तरफ। ओके, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ खींच दिया, और जिससे कि हम नीचे चल जाते हैं। और नीचे जाने के बाद हमें सीधा चलना है। सीधे जाने के बाद एक बार टॉय चेक कर लेता हूँ, क्या पता ना आया हो तो। ओके, टॉय, अच्छा ये तो वही म्यूज़िकल मेमोरी वाला टॉय है शायद। तो इधर आगे चलते हैं, और यहाँ से फिर से हमें उस वाले गेट में इस टॉय को रखना है, तो हमें फिर से इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता बनाना पड़ेगा ना, हटना। ओके, यहाँ से इसे रोटेट करते हैं टॉप को, टॉप से रोटेट हो गया है। अब बॉटम को टॉप करते हैं रोटेट। ओके, फिर से टॉप को। ओके, यहाँ से फिर से टॉप को करा रोटेट, देन बॉटम को कर देंगे। और इसी के साथ ये सॉल्व होता हुआ पज़ल काफ़ी इजी था। और सीधा चलते हैं और लेफ्ट राइट साइड मुड़ जाते हैं, और यहाँ से हमें टॉय स्कैन करना है शायद, और टॉय रख देंगे। टॉय रखने के बाद हमें यहाँ पे टॉय स्कैन हो रहा है, और जिससे गेट ओपन हो जाएगा, हो जाए। अच्छा, हमें ओपन करना है। ओके, ये कितना स्कैरी है साउंड। और यहाँ पे गेट बंद होता है, और तभी हम मुझे दिखता है एक वेंट। ओके, यहाँ से रास्ता बना हुआ है जिसे हम लेफ्ट साइड मुड़ते हैं, फिर से राइट साइड मुड़ते हैं और देखते हैं क्या है। अंधेरी वाली जगह ये तो बिल्कुल ही। और एक गेट बंद होता है, और यहाँ से बंद होने के बाद इधर आ चुके हैं हम, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली पज़ल लग रही है मुझे। और ये गेट बंद है, तो हमें उस तरफ जाना है शायद इस गेट को ओपन करके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देनी है ना इसे, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है इस ग्रीन हैंड से शायद। ओके, यहाँ पे ग्रीन हैंड नहीं टच करना, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और इसे टच करते हैं, इस टावर को, देन सेकंड टावर को टच करते हैं जिससे ये ओपन होगा। शायद ये ओपन हो चुका है। ओके, अच्छा यहाँ पे 2 गेट्स हैं। ओ,
अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर जैसे मैंने पहला वाला छोड़ा था ना, तो वैसे ही तुरंत दोनों ओपन हो गए थे, दोनों गेट्स। ओके, यहाँ से अब मैंने टच किया, दिखा यहाँ पे 10 सेकंड के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जॉर्ब करी, और हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए इस ग्रीन हैंडल को। यहाँ पे हम 10 सेकंड के लिए इसे देंगे इलेक्ट्रिसिटी, इससे गेट ओपन हो जाते हैं और सीधा चलते हैं हम आगे, और यहाँ से राइट लेते हैं, और हमें दूसरे वाले को भी देनी है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सीधा सीधा जाना है इस बार, ये 10 सेकंड वाली नहीं है, हमें सीधा इलेक्ट्रिसिटी दूसरे को देनी है। और यहाँ से इस गेट को टच करने के बाद इस सीधे इसको देंगे। ओके, इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जाते हुए और ये लेवल भी कंप्लीट होते हुए, और यहाँ पे फिर से रास्ता, शायद यहाँ पे गेट ओपन हो चुका है वेंट का। ओके, और यहाँ पे हम नीचे आ चुके हैं, बहुत अंधेरी जगह यार ये, तो ये कहाँ पे आ गए हम, ओ भाई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये फाइनल होने वाला है। बाय बाय। You should know.